दोस्तों आज के वीडियो में आइए हम लोग सीखते हैं फोटोशॉप में किसी भी तस्वीर पे बारिश वाला इफेक्ट यानी कि रेन इफेक्ट कैसे डाला जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को करते हैं हम शुरू। बारिश वाला इफेक्ट डालने के लिए सबसे पहले उस प्रकार का एक तस्वीर खोल लीजिएगा। देखिए हम एक तस्वीर यहाँ पे खोले हुए हैं। खोल लेने के बाद यहाँ लेयर वाला बॉक्स खुला होना चाहिए। इस लेयर वाला बॉक्स में इस लेयर को अनलॉक कर लीजिएगा और उसके बाद आपको एक नया लेयर बना लेना है। तो लेयर मेन्यू में क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके नया लेयर बना सकते हैं या फिर यहाँ पर भी क्लिक करके आप नया लेयर ले सकते हैं। देखिए नया लेयर आ गया। अब क्या करना है, इस नया लेयर में आपको व्हाइट कलर को फिल कर देना है। तो देखिए हमने व्हाइट कलर को फिल कर दिया। व्हाइट कलर फिल करने के बाद आपको फिल्टर मेनू पे क्लिक करना है। फिल्टर मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है नॉइज इफेक्ट पे। नॉइज इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्लिक करना है आपको एड नॉइज पे। एड नॉइज पे जब क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे गाजियन, यहाँ पर मोनोक्रोमिक, ये आपको टिक कर लेना है और यहाँ से आपको 165, 170 के आसपास रखना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए नॉइज इफेक्ट हमारा जो है यहाँ पे आ गया। इसके बाद फिर से आपको फिल्टर मेनू पे ही क्लिक करना। तो फिल्टर मेनू पे क्लिक करके आपको ब्लर ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्लर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको मोशन ब्लर पे क्लिक करना है। तो इस तरह का एक बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 45 डिग्री रखना है। यहाँ पे टाइप करके आप 45 लिख सकते हैं, 45। तो 45 डिग्री एंगल पे आपको इसको रखना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरह का एक आपका बन जाएगा। बन जाने के बाद क्या करना है, लेयर वाला बॉक्स में देखिए जहां पे लिखा हुआ है नॉर्मल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसको कर देना है स्क्रीन। तो आपका तस्वीर में इस तरह से बारिश वाला इफेक्ट दिखने लगेगा। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसका जो है आपका यहाँ पर ऑफसेटिंग कम कर देना है ताकि आपका फोटो भी अच्छा से दिखे और बारिश भी दिखे दोनों। तो चलिए हमने इस तरह से कर दिया। करने के बाद अब क्या है, अब टूल बॉक्स में सबसे नीचे यहाँ पे दिया रहेगा जंप टू इमेज रेडी या फिर कंट्रोल शिफ्ट एम की को प्रेस करने पर भी आप इमेज रेडी में चले जाइएगा जंप करके। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर देखिए हमारा इमेज रेडी का एप्लीकेशन खुल गया। खुल जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इस तस्वीर को फुल स्क्रीन कर लेना है और इसको यहाँ पे कंट्रोल टी की को प्रेस करना है। कंट्रोल टी की को प्रेस करने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर इस तरह से बड़ा कर देना है और साइड में इसको भी इस तरह से खींच करके थोड़ा सा यहां से बड़ा कर लेना है। तो बड़ा हो जाने के बाद अब क्या करना है, अब आपको एंटर की को प्रेस कर देना है। तो चलिए उसके बाद लेना है आपको मूव टूल। यहां से मूव टूल को लीजिए और इस लेयर को यहां से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा इसको घसकाइए नीचे की ओर इस तरह से, ठीक है। फिर कॉपी कीजिए यहां से और फिर इसको नीचे की ओर थोड़ा सा और घसकाइए। फिर यहां से कॉपी कीजिए, फिर थोड़ा सा नीचे की ओर इस तरह से घसकाइए। फिर कॉपी कीजिए और फिर थोड़ा सा नीचे की ओर इस तरह से घसकाइए। फिर कॉपी कीजिए और फिर थोड़ा सा इस तरह से घसकाइए। फिर थोड़ा सा कॉपी कीजिए और देख लीजिए आपका सही है या नहीं है। अब देखिए खत्म हो गया है। तो अब यहाँ से छोड़ दीजिएगा इसको, इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट अब नहीं रह गया। उसके बाद यहाँ से आप प्ले करके देखिए दिख रहा है कैसा। तो देखिए आपका फोटो में एक इफेक्ट सा आ गया है लेकिन थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कट रहा है। चलिए इसको हम पहले ठीक कर लेते हैं। इस जगह पे कट रहा है हमारा, इसको हम यहाँ से खींच करके कंट्रोल टी से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको खींच करके हम यहाँ से इस तरह से कर लेंगे और ऊपर में थोड़ा सा इस तरह से और एंटर की को प्रेस कर देंगे। उसके बाद देखिए फिर से हम प्ले करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए अब ठीक है हमारा। तो इस प्रकार से हम लोग पिक्चर पे रेन इफेक्ट डाल सकते हैं। अब इस पिक्चर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिप फाइल के रूप में। तो फाइल मेनू पे क्लिक करके सेव ऑप्टिमाइज एज वाला कमांड पे क्लिक कीजिए तो एक बॉक्स आ जाएगा। अब जहां पे सेव करना, चलिए हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। फाइल का नाम दे देते हैं रेन और यहाँ पर जिप फाइल रखते हैं और सेव पे हम क्लिक कर दिए। तो हमारा जो फाइल है रेन इफेक्ट वाला फाइल हमारा सेव हो जाएगा।
अब इसको देखिए, हम फिर से आपको खोल करके दिखाएंगे, यहाँ से बंद कर देते हैं फोटोशॉप वगैरह को सबको। अब बंद करने के बाद हमारा जो रेन इफेक्ट वाला जो फाइल हम सेव किए हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम यहाँ से ओपन कर, ओपन पे क्लिक करने पर देखिए आपका जो रेन इफेक्ट वाला जो आप जिप फाइल बनाए थे ये खुल गया। तो देखिए आपको दिखा रहा होगा कि फोटो में आपका जो तस्वीर है उसमें बारिश हो रहा है। तो फोटोशॉप में इस प्रकार से हम लोग बरसात वाला एनिमेशन यानी कि बारिश का एनिमेशन का इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने फोटोशॉप में रेन इफेक्ट वाला एनिमेशन डालना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।